गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास एट। आज हम क्लास सिक्स एट के चैप्टर सिक्स सुपरस्टिशन के बारे में पढ़ेंगे। सुपरस्टिशन क्या होता है बच्चे? सुपरस्टिशन वो विश्वास जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। हम अपने लाइफ में इस टाइप के सुपरस्टिशन बहुत से मानते आ रहे हैं, अपने जीवन में भी मानते हैं। यहाँ पे सिर्फ मूर्ख ही नहीं, पढ़ा लिखा आदमी भी इस सुपरस्टिशंस के चक्कर में फंसे हुए हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी रास्ते में जाते हैं, कोई बिल्ली अगर रास्ता काट देता है, काली बिल्ली, तो हम लोग समझते हैं कि आगे कुछ होनी अनहोनी होने जा रहा है। ठीक है, इस टाइप के हम अपने जीवन में बहुत सा अनहोनी को या सुपरस्टिशंस को मानते हैं और अपने लाइफ को मतलब डैमेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। सुपरस्टिशन डू नॉट हैव एनी लॉजिकल बेसिस बट आर रिलेटेड टू द थिंग्स दैट कैन कॉज अस डैमेज। सुपरस्टिशन में कोई आधार नहीं होता। ठीक है, तो ये जैसे कोई छींक देता है उसके भी हम लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सुपरस्टिशन, व्हाट इज सुपरस्टिशन? बिलीव दैट इज नॉट बेस्ड, उसका कोई ऐसा बिलीव जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम लोग सुपरस्टिशन मानते हैं। इंडिया अवर कंट्री इज रिलीजियस कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया वो एक रिलीजियस कंट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानने की अपना स्वतंत्र है, यहाँ पे सभी धर्म मान सकते हैं। तो इन रिलीजियस मेनी सुपरस्टिशन इंडिकेट, रिलीजियस में बहुत सारा सुपरस्टिशन इंडिकेट करता है जो मास्टरियस है। पीपुल हु हैव द फेथ इन द सुपरस्टिशन आर जनरली रिलीजियस माइंडेड, लेकिन वो आदमी जो ज़्यादातर जो धार्मिक होता है वही सुपरस्टिशन को ज़्यादा मानते हैं। इट इज सरप्राइजिंगली दैट नॉट ओनली द इलिटरेट पीपल बट हाईली एजुकेटेड पीपल ऑल्सो बिलीव इन द सुपरस्टिशन। ये सिर्फ मूर्ख की ही बात नहीं करे, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका भी नहीं, जो पढ़ा लिखा है वो भी इस चीज़ को मानते हैं। एनी हाउ द बिलीफ इन सुपरस्टिशन इज थॉट एंड द सोर्स ऑफ अवर मेंटल वीकनेस, और इस कारण से आदमी मेंटली भी वीक हो जाते हैं कभी कभी। सम पीपल, कभी कोई साधु बाबा को बता दिए, साधु जी के पास गए, साधु बोले नहीं तो लाइफ में ये ग्रह है, वो ग्रह है, ऐसे है ये लोग, तो इस आदमी लोग मेंटली वीकनेस पे आ जाते हैं। सम पीपल आर ऑफ द व्यू डैट ए ब्लैक कैट कॉज द वंस फेथ इट विल स्पेल द फेदर इन द accomplishment of their goal. Some people are of the view that if a crow crows in the morning on the roof of their houses, it is believed that some guest is coming to pay a visit to them. If all hoot at the night on the roof of a house, it believed that it would bring bad luck to the family. The barking of the dog at the night signifies the coming of the death of someone. Some people believe that to see a sweeper with a basket full of garbage is a good omen. तो जैसे कि बताया जा रहा था, people view that कोई black बिल्ली को, काला बिल्ली को अगर देख ले रास्ते से काटते हुए, तो वो लोग समझते हैं जब कुछ अनहोनी होने जा हो जाएगा आगे जाएंगे तो। या फिर कभी कभी सुबह सुबह कौवा अगर घर के ऊपर में बोल रहा है, काव क्राव काव कर रहा है, तो समझता है कि कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो इस टाइप के सुपरस्टिशन और द सुपरस्टिशन, अगर कोई उल्लू और मतलब बोल रहा है या कुत्ता रात को भौंक रहा है, तो इस सबसे क्या होता है, अनहोनी समझते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो स्वीपर अगर सुबह सुबह अगर बास्केट फुल ऑफ पीपल बिलीव दैट द स्वीपर विथ ए बास्केट फुल ऑफ गार्बेज, बास्केट फुल ऑफ गार्बेज से अगर ढो रहा है उसको अगर देखता है तो कुछ अच्छा होता है। मेनू एंड रवि वेयर इन द सेम क्लासेस, चलिए इस कहानी को कुछ पढ़ते हैं। मेनू एंड रवि वेयर इन द सेम क्लास, मेनू और रवि एक स्टूडेंट का नाम है, दो स्टूडेंट का नाम है जो सेम क्लास में पढ़ते हैं। दे वेयर नाइबर्स, इट वॉज द 20th of March, 20 मार्च की डेट दिया हुआ है जो उस समय की घटना है। द एनुअल रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉज टू बी डिक्लेयर दैट डे, और उस दिन जो 20 मार्च को रिजल्ट आया था, वो लोग जो क्लास में पढ़ते हैं उसका, और वे लोग दोनों पड़ोसी भी हैं। व्हेन रवि स्टेप्ड आउट ऑफ द डोर, समवन लेट आउट ए स्नीज, रवि थ्रू एन एंग्री लुक एट हिम एंड सून वेंट बैक इन टू द हाउस। हिज मदर आस्क्ड, व्हाट इज मैटर रवि, व्हाई हैव यू कम बैक, विल यू नॉट बी लेट फॉर स्कूल। तो सुबह सुबह रिजल्ट के लिए जा रहा था, तभी गेट से जब ही निकला तभी एक आदमी ने छींक दिया। छींकने के कारण क्या हुआ, वो फिर वो सोचा कुछ अनहोनी हो जाएगा, वो बैग फिर घर अंदर चला गया और बहुत सा वो आदमी को डांटा भी। मम्मी, समवन लेट आउट ए स्नीज एज सून आई कैम बैक आउट ऑफ द डोर, सो आई कैम बैक, रवि रिप्लाइड। हिज मदर सेड, यस इट इज़ ए बैड ओमेन, ठीक है, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड देन गो।
When Menu was going to school, she saw a sweeper with his basket full of garbage. She was very happy as thought it was a good omen. तो उसकी रवि ने बोला जैसे स्टाफ के मेरे साथ घटना हो गया, जाब मैंने ठीक किया, इसलिए मैं घर आ गया था। तो उसके मैं उन्होंने ठीक किया क्योंकि इससे कुछ अनहोनी हो सकता था। तो उसके बाद एक गिलास पानी बोलो पी लो और फिर जाओ, पानी पी लिया और फिर स्कूल गया। तब देखा कि एक स्वीपर जो है एक बास्केट में गार्बेज को लेकर के जा रहा था। इससे वो बहुत खुश हुआ क्योंकि ये अच्छी बात है, जो इसे सुनते यात्रा बनता है, इसे अच्छी खबर मिल सकता है। बोथ ऑफ देम रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, मेनू थ्रू हर सेल्फ इन टू हर मदर्स आर्म and said, "Mummy, I have good first in the examination and it was because of a good omen." मम गया घर में, मम्मी ने अपने मम्मी की आर्म्स में हर्सेल्फ इन टू दर मम्मी मदर सांस में जाकर बैठ गया और गले मिला मम्मी से और बोला, मम्मी मेरे साथ कुछ ऐसा अच्छा कुछ हुआ जिससे मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ है। आई शुड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ अ गुड ओमेन। और ये अच्छा हुआ क्योंकि गुड ओमेन के बारे में कुछ मैंने अच्छा चीज़ देख लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर दूसरा दिन पढ़ेंगे दूसरा क्लास। ठीक है, थैंक यू। और इसका अगला वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे क्लास में। ठीक है, यहाँ तक मैं पढ़ा दिया।